दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि काजू कतली कैसे बनती है। आप बाजार से काजू कतली किसी भी त्यौहार के मौके पर लेते होंगे और बड़े चाव से खाते होंगे। आज हम बताते हैं कि बाजार में काजू कतली कैसे बनाते हैं। मैंने खुद काम किया हुआ है काजू कतली के लिए। जो बाजार के कंपनीज हैं मिठाई बनाने वाली, वो मार्केट से 6 या 8 टुकड़ों में काजू के पीसेस लेते हैं। 8 पीस का काजू का एक टुकड़े के 8 पीस हुए होते हैं और अच्छी तरह कीड़े खाए हुए होते हैं, उनको जर्म्स लगे होते हैं। वो बाजार से सस्ते भाव में ले लेते हैं और उनसे आपको बर्फी काजू की कतली बना के आपको खिलाते हैं। आपने क्या करना है, बाजार का बनी हुई काजू कतली बिल्कुल नहीं लेनी। आपने घर में बना सकते हैं, बहुत ही ईजी और आसान तरीके से आप घर में काजू कतली बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप 1 किलो अच्छी क्वालिटी के साफ काजू ले लो, पैकेट बंद बढ़िया वाले, और उस काजू को लेके मिक्सी में डाल के पीस लो। इसकी ग्रेवी बन जाएगी। जैसे ही आप इसमें पीस लोगे, इसकी इसमें से रस निकलेगा और इसकी ग्रेवी बन जाएगी। और इसमें आपने 100 ग्राम का दूध डाल देना है, इससे वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा। वो ग्रेवी आपने निकाल लेनी है। उसके बाद क्या करना है कि मावा जो घर में तैयार होता है, 1-2 किलो दूध का आपने उसको गाढ़ा करके, बिल्कुल गाढ़ा करके उसको गर्म करते करते जब वो उसका मावा बन जाएगा, वो मावा आपने निकाल लेना है 2 किलो दूध का। उसके बाद आपने इस मावा इसके अंदर मिला देना है और अलग से चाशनी, चीनी की चाशनी, इसमें चीनी आपने ऐसे नहीं डालनी, ऐसे चीनी नहीं डालनी है, चीनी का बुरादा नहीं डालना इसमें आपने। आपने उसकी चाशनी बना लेनी है, पिघली हुई पिघाल लेनी है उसको, थोड़ी तार वाली बना के, और वो इसमें आपने चाशनी डालनी है। उसके बाद आपने इसको मिला देना है और गर्म करते रहना है। हल्की से जब गर्म हो जाएगा और आप देखेंगे कि इसमें मावा, काजू की कतली, ग्रेवी और ये सब कुछ मिल गया है। उसके बाद आपने उसको एक ट्रे ले लेनी है, ट्रे में हल्का सा रिफाइंड लगा देना है और उस ट्रे में इसको पूरी अच्छी तरह मिला के अच्छी तरह रख देना है। जब ये हल्का सूखने लगे तो उसके ऊपर आपने चांदी का वर्क मिलता है बाजार में अच्छी क्वालिटी का, वो उस पर लगा देना है। उसके बाद इसके पीसेस कर लेने हैं, इसके चौरस चौरस से पीसेस करके इसको रख देना है। तो आपकी ये काजू कतली तैयार है, ठंडी करके आप खा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।